ये है हिडन कैंप जो हुंडर में है, और ये अपने नाम के जैसे ही हिडन है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अंदर है, एकदम एंड में है हुंडर में, लेकिन सच अ ब्यूटीफुल प्लेस और बहुत ही अच्छा कैंप है। ये है सैंड ड्यून्स, ये पूरा का पूरा रेगिस्तान है, ठंडा रेगिस्तान है, और ये 13,000 अबो द सी लेवल है, और ये रेगिस्तान पे डबल हम्प कैमल चलते हैं जिसका हम राइड लेंगे। हम हुंडर से निकल चुके हैं पेंगोंग के लिए, और पेंगोंग के जो रास्ते हैं यहाँ से आ रहा हूँ 40-50 किलोमीटर्स, काफ़ी अच्छा है। बीच बीच में आपको सैंड्यूज जो बालू हैं वो बालू दिखेंगे रास्ते पे, इस पर हमें तेज़ नहीं चलाना है, काफ़ी स्लो चलना है। बीच बीच में पैचेस हैं जो ख़राब हैं, लेकिन ऑफ रोडिंग शुरू होगी बीच में, मैं दिखाऊँगा आपको ऑफ रोडिंग। यहाँ पर रास्ता अभी तो फिलहाल ऑफ रोडिंग शुरू हो चुकी है। यहाँ पे रास्ता का पता ही नहीं है, यहाँ पे जब ऊपर ग्लेशियर पिघलता है तो सारा बर्फ का जो पानी होता है वो पहाड़ों के पत्थरों को नीचे लेके आता है, और रोड जो है वो रोडों को निशान मिट जाता है, तो इसलिए अब हम नीचे की तरफ से जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा पानी ही पानी है, और यहाँ पे रास्ता ही नहीं पता चलता है कि कहाँ पे। इसके लिए इस जगह पे जब आए तो आप ज़रूर अपने साथ में बैकअप व्हीकल रखें, क्योंकि वो लोकल होते हैं, उनको पता होता है कि रास्ता कहाँ से है, कैसे है, तो उन्होंने ही हमें गाइड किया है। पानी में मैं फंस गया था और कुछ सेकंड तक तो मैं ब्लैंक हो गया था, मेरे दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा था कि मैं आगे करूँ क्या, लेकिन कुछ सेकंड अपने आप को होल्ड किया, लंबी ब्रीथ लेने के बाद मैं फिर से एक्सेलरेट किया और मैं बाहर निकला हूँ। यह है जब तक है चांग शूटिंग लोकेशन, और बहुत ही सुंदर लोकेशन है, आप देख सकते हो। ये मैमरोट है, मैमरोट सिर्फ लद्दाख में ही मिले जाते हैं और ये बहुत ही रेयर दिखते हैं, तो हम अपने आप को लकी समझते हैं कि हमने मैमरोट्स देखे हैं। हमारे जरिए आप भी देखिए ये मैमरोट्स हैं और ये बहुत ही रेयर होते हैं। फाइनली रीच्ड पेंगोंग शाम।
डिफिकल्ट है दोस्तों। खारदुंगला कंपैरेटिवली इजी है चांगला से। चांगला में अगर मौसम खराब हो, अभी तो मौसम साफ है, अगर मौसम खराब हो तो ज्यादा भारी पड़ता है। अभी तो हमारे नसीब अच्छा है कि मौसम अच्छा है, बहुत ज्यादा ऑफ रोडिंग है दोस्तों। यह है चांगला बाबा, चांगला पॉइंट, हाईएस्ट सेकंड मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, इट्स अमेजिंग। अब हम अपना ट्रिप यहाँ पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। अब हम बैक टू ले, कल हमारा दिल्ली के लिए फ़्लाइट है। 8 दिन कब और कैसे ख़त्म हो गए पता ही नहीं चला। मैं आप लोगों को ज़रूर कहना चाहूँगा कि लाइफ में आप एक बार ज़रूर ले आए, क्योंकि यहाँ का जो एक्सपीरियंस है बहुत ही अलग है, बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस है, एडवेंचर ही एडवेंचर है और बहुत अच्छा है। मैं होप सो कि मैं अगले साल फिर से आऊँ ले लद्दाख और आपको फिर से वीडियो दिखाऊँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।